जुड़ चुकी हैं डॉक्टर कुलजेश। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और ऐसे में कई सारे जो एडवाइजेस होती हैं वो दी जाती हैं लोगों को कि अपने ध्यान रखें, लेकिन इस बार काल कोरोना का है, तो कोरोना काल में क्या एडवाइस एज अ डॉक्टर आप देना चाहेंगे लोगों को? नमस्कार सबको, सबसे पहले तो वर्ल्ड हेल्थ डे की शुभकामनाएं देता हूं मैं अपनी ओर से भी, और बतौर मध्य प्रदेश भाजपा प्रवक्ता की कामना करता हूं कि सभी जीव जो है सृष्टि में वे स्वस्थ रहें। जहां तक कोरोना काल की बात है, अभी जो चिकित्सक महोदय को सुन रहा था, उन्होंने भी जो पोस्टिंग कही बहुत सही बातें कही है। देखिए कोरोना एक महामारी के रूप में उभरा है और दुनिया का कोई भी कोना इससे अछूता नहीं रहा है। हमको नहीं पता कि अभी कितनी स्ट्रेंथ है, 700 से ज्यादा स्ट्रेंथ ऑलरेडी है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम दो तीन चीजों का विशेष ध्यान रखें। अभी तक कोई भी मेडिसिन इलाज के रूप में दुनिया के किसी कोने में भी COVID-19 के लिए विकसित नहीं हुआ है। जो वैक्सीन है, वैक्सीन एक शील्ड की तरह है जो हमको एंटीबॉडीज देता है, एक बचाव का काम करता है हमारे शरीर में, लेकिन इलाज नहीं है। बचाव की एक तरह से ये कह सकते हो कवच देता है हमको वैक्सीन, लेकिन कोविड होने के बाद कोई भी निर्णायक इलाज नहीं है। वर्तमान में यदि कोई इलाज है तो वह मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, अपने आप की हाइजीन रखना है, अपने आसपास की हाइजीन रखना है, हाथों को साफ करना है, और जितना हो सके अपने घर में रहना है, कम से कम बाहर निकलना है, अति आवश्यक कार्यों हेतु ही निकलना है, और जिसकी भी टर्न आए उसको वैक्सीन बिल्कुल कराना चाहिए। देखिए वैक्सीन के बाद भी, अभी आप बात कर रहे थे कि वैक्सीनेशन के उपरांत भी कोविड के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, बिल्कुल सच बात है, कोविड पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, लेकिन एक चीज है कि यूजुअली उसकी गंभीरता में कमी नजर आती है कि जो आफ्टर वैक्सीनेशन व्यक्ति पॉजिटिव हुआ, मैं कईयों को जानता हूं ऐसे, तो उनमें बहुत कम लक्षण होते हैं कोविड के, वो ऑक्सीजन थेरेपी तक उनको नहीं पहुंचना पड़ता, वेंटिलेटर तक नहीं पहुंचना पड़ता। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और जो लोग वैक्सीन पर शको शुबा करते हैं तो ये तो एक मिथ्या प्रचार है। कोई सा भी वैक्सीन लगाए हम, चाहे हम बच्चों को पोलियो का वैक्सीन लगाते हैं उसके बाद भी बुखार आता है, यदि हम स्वाइन फ्लू का वैक्सीन लगाते हैं उसके बाद भी चांसेस रहते हैं कि आपको बुखार आए या हेडेक हो या बॉडी एक हो, तो ये सब चीजें हर वैक्सीन के साथ है। लेकिन वैक्सीन हम लगाते हो, वैक्सीन ने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई हैं जब से वैक्सीन की इन्वेंशन हुई है। तो आप सबसे मैं विनम्र विनती करता हूँ कि अपने नंबर आने पर डेफिनेटली वैक्सीनेशन कराएं, और कम से कम अपने आप को और अपने परिवार को जो कोविड से हमको स्ट्रेस हुआ है, देखिए कोविड से सबको स्ट्रेस हुआ है, मेंटल स्ट्रेस भी हुआ है, उस मेंटल स्ट्रेस को कम करें, क्योंकि आप जितना मेंटल स्ट्रेस के प्रभाव में आएंगे आप उतने कम प्रिकॉशन ले पाएंगे। कोविड से घबराना नहीं है, लेकिन डरना तो जरूरी है, चिंता तो करनी है इन सब चीजों की कि हम अपने आप की हाइजीन कैसे कर सकते हैं, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जानकारी का प्रचार करें, और ऐसे किसी व्यक्ति को भी आप बायकॉट करना शुरू करें, जैसे कोई दुकानदार है जो बिना मास्क के अगर यदि सामान बेच रहा है तो उसकी दुकान को बायकॉट करेंगे आप, तो वो अपने आप ही मास्क लगाएगा। यदि आप कहीं पर जा रहे हैं तो यदि दुकानदार आपको विक्रय नहीं करे फैब्रिक का, तो फिर आप भी मास्क लगा के जाएंगे। तो मास्क को तो एक हमको एक रिवोल्यूशन की तरह यूज करना है सोसाइटी में, एक सिंपल है, कोई टेक्नोलॉजिकल स्टफ नहीं है, एक बहुत सस्ता उपाय है जो कई जिंदगियों को बचा सकता है। तो मास्क को एक आंदोलन की तरह हम चलाएंगे तो हमारा देश बचेगा। वैक्सीनेशन की ड्राइव में सबको समर्थन करने की आवश्यकता है। जी।